बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कपल बीते दिन ही अपनी दिल्ली के प्री वेडिंग फंक्शन पूरे करने के बाद उदयपुर पहुंच चुका है, जिसके बाद दोनों के फैमिली मेंबर्स भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, परिणीति और राघव की शादी राजस्थान की सिटी उदयपुर में मौजूद एक बेहद ही शानदार पैलेस द लीला पैलेस में होने जा रही है। इस होटल में कई लोग बोट की सवारी करते हुए पहुंच चुके हैं, जिसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। अब जिन खास मेहमानों का इंतजार था वो भी आ चुके हैं। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी परिणीति और राघव चड्ढा की शादी अटेंड करने के लिए पहुंच चुके हैं। दोनों का एयरपोर्ट पर काफी खास अंदाज में वेलकम किया गया। दोनों सीएम एक साथ नजर आए। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्री का ढोल लगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सिंह ने बाहर आते ही मीडिया को भी अपने हाथों के जेस्चर से ये बताने की कोशिश की कि वो राघव चड्ढा और परिणीति की शादी को लेकर कितना खुश हैं। इसके बाद दोनों गाड़ी में सवार होकर अपनी सिक्योरिटी के साथ उदयपुर के द लीला पैलेस की तरफ रवाना हो गए। सर आ गया ये सर, अरविंद सर बाजे। आपको बता दें, इस शादी में कई और वीवीआईपीस के शामिल होने की संभावना भी है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर, शैलेश लोढ़ा, मनीष मल्होत्रा समेत कई बॉलीवुड के सितारे इसमें शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर 200 मेहमान और 50 वीवीआईपी होंगे। शादी में परिणीति की बहन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के शामिल न हो पाने की खबरें भी सामने आ रही। फिलहाल अभी तक इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी तो सामने नहीं आई है। परिणीति और राघव की शादी की सभी रस्में लीला पैलेस में होंगी। ये वेन्यू किसी राजमहल से कम नहीं है। इसके चारों तरफ का नजारा इसे और भी खूबसूरत बनाता है। झीलों के बीच बने लीला पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वेडिंग वेन्यू में फव्वारे और कमरे से खूबसूरत झील का नजारा भी देखने को मिलता है। पैलेस को पारंपरिक राजस्थानी डेकोर से सजाया गया है, जो यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे परिणीति और राघव की शादी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।